6 दिसंबर 1991 के देर रात को फायर स्टेशन को आई कांट बिलीव इट्स योगर्ट नाम के वेस्ट एंडरसन लेन की दुकान से धुआं निकलने की सूचना मिलती है। आग बुझाने में लगे अग्निशामक दल को पता चलता है कि ये कोई आम आग लगने का केस नहीं है। उन्हें दुकान के अंदर से 4 टीनेज लड़कियों का बिना कपड़ों के एक के ऊपर एक लाता हुआ लाश बरामद होता है। लड़कियां थी 13 साल की एमी एयर्स, 17 साल की एलिजा थॉमस, 17 साल की जेनिफर हार्बिंसन और जेनिफर की बहन 15 साल की सैरा। सारी लड़कियों के सिर पर 22 कैलिबर गन से गोली मारी गई थी। कत्ल से पहले उनका बलात्कार हुआ, फिर उनके ही कपड़ों से उनके हाथ पैर बांधे गए थे, फिर उसके बाद आग लगाई गई थी। कत्ल की बात पता चलते ही शहर के लोग पुलिस पर खूनी को पकड़ने के लिए जोर देने लगते हैं। शुरुआती जांच में पुलिस बहुत लोगों को संदिग्ध बनाते हैं और पूछताछ भी करते हैं। उनमें से एक था 15 साल का लड़का जिसके पास 22 कैलिबर गन था। जब पुलिस ने उसे पूछताछ की तो वो अपने आप को गनचार से बचाने के लिए अपने दोस्तों के ऊपर कत्ल का आरोप लगाता है, लेकिन जांच के बाद वो झूठ साबित होता है। योगर्ट शॉप में जेनिफर और एलिजा काम करती थी और जेनिफर की बहन सैरा अपनी दोस्त एमी के साथ दुकान पर आई थी। योगर्ट शॉप रात के 11 बजे बंद हो जाता था। शॉप से 11 बजे से कुछ ही मिनट पहले निकले एक जोड़े ने कहा कि जेनिफर ने 11 बजे दुकान का सामने का दरवाज़ा बंद कर दिया था ताकि और कस्टमर ना आ पाए। जोड़े ने कहा कि जब वो वहां से जा रहे थे तब 2 आदमी शॉप पर थे। पुलिस ने इस दिशा में भी जाँच की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जाँच पे जाँच चला और पूरे 8 साल बाद 1999 को 4 लड़कों पर इन 4 लड़कियों के कत्ल का आरोप लगाया गया। रॉबर्ट स्प्रिंगस्टीन, माइकल स्कॉट, मॉरिस पियर्स और फॉरेस्ट वेलबॉर्न। पुलिस ने यह दावा किया कि इन चारों ने कत्ल को कबूला है, लेकिन इन चारों लड़कों का कबूलनामे का कोई रिकॉर्ड नहीं था। इन चारों में से 2 लड़कों को कोर्ट ने सबूतों के अभाव पर बरी कर दिया, जो थे मॉरिस पियर्स और फॉरेस्ट वेलबॉर्न। रॉबर्ट स्प्रिंगस्टीन और माइकल स्कॉट 1999 के आखिर में योगर्ट शॉप मर्डर्स पर दोषी पाए गए। कहा गया कि इन दोनों ने बलात्कार और कत्ल को अंजाम दिया और बाकी 2 लड़कों ने सिर्फ देखा। याद रखिए, ये चार्ज सिर्फ और सिर्फ लड़कों के कबूलनामे पर आधारित था, सॉलिड एविडेंस कुछ भी नहीं था। तो माइकल स्कॉट जो कत्ल के समय सिर्फ 15 साल का था, उसे आजीवन कारावास का सजा हुआ और रॉबर्ट स्प्रिंगस्टीन को मौत का सजा सुनाया गया। लेकिन इस फैसले के कुछ समय बाद इस केस में दरार दिखने लगे। पूरा केस चारों के कबूलनामे पर चला और उनका कबूलनामा कुछ ज्यादा ही डिटेल था। लग रहा था कि चारों को क्या बोलना है ये किसी ने लिख कर दी हो। इसी बीच ऑस्टिन पुलिस डिपार्टमेंट के ही कैमरा से ली गई वीडियो फुटेज का एक फोटोग्राफ इंटरनेट पर फैलने लगा, जिसमें डिटेक्टिव मेरिल आरोपी माइकल स्कॉट के सिर पर बंदूक थाने खड़े हुए दिख रहे थे। ये सब होते होते 10 साल गुजर गया था और दोनों लड़के अपनी जिंदगी के 10 साल सलाखों के पीछे काट चुके थे। इस नए एविडेंस के बाद स्प्रिंगस्टीन और स्कॉट के केस को रिव्यू किया गया और उन्हें योगर्ट शॉप मर्डर केस से बरी कर दिया गया। इस केस में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन खोखला था। ऑस्टिन पुलिस डिपार्टमेंट के पास इतने भयानक केस को हैंडल करने जितना एक्सपीरियंस नहीं था और आम जनता का प्रेशर उन्हें और मुश्किल में डाल दिया था। पुलिस ने कम से कम 342 संदिग्धों का इन्वेस्टिगेशन किया था, जिसमें 50 लोगों ने तो इस कत्ल को कबूला भी था, लेकिन सबूत नहीं था। इनमें से एक था सीरियल किलर केनेथ मैकडफ। केनेथ कत्ल के समय उस इलाके में एक्टिव था और टीनेजर्स पर हमला करता था। जब उसे दूसरे कत्लों के लिए मौत का सजा हुआ तो 1998 अपनी फांसी के दिन योगर्ट शॉप के कत्ल को कबूलता है। बहुतों ने माना कि केनेथ ने ये कबूलनामा अपनी फांसी रुकवाने के लिए किया है, फिर भी जांच हुआ। केनेथ को तो उसी दिन फांसी हुआ जिस दिन तय हुआ था। 2010 में एक संदिग्ध मॉरिस पियर्स का पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई। जब ट्रैफिक स्टॉप में पुलिस ने पियर्स का कार को रोका तो वो मौके से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ लेते हैं। तो पियर्स ऑफिसर पर चाकू से हमला करता है, तो ऑफिसर पियर्स पर गोली चलाते हैं और पियर्स का मौके पर ही मौत हो जाता है। लेकिन एक आम ट्रैफिक स्टॉप से पियर्स क्यों भागेगा और पुलिस पर हमला क्यों करेगा, ये समझ से परे है। 2008 में पुलिस ने चारों आरोपियों का डीएनए टेस्ट किया था और एक का भी डीएनए लाश से बरामद डीएनए से मैच नहीं किया था। 28 अक्टूबर 2009 को स्कॉट और स्प्रिंगस्टीन पर लगे सारे चार्जेस हटाए गए। 5 फरवरी 2022 को पुलिस ने अनाउंस किया कि एडवांस डीएनए टेक्नोलॉजी के मदद से इन्वेस्टिगेटर्स इस केस को सॉल्व करने के बहुत करीब पहुंच गए हैं। क्या उस रात को योगर्ट शॉप में बैठे हुए 2 आदमी 4 लड़कियों के कातिल हैं, या वो सिर्फ आम ग्राहक थे? अगर वो नहीं पकड़े जाते तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि 1991 के उस रात को योगर्ट शॉप में आखिरकार हुआ क्या था। फिर मिलते एक नए केस के साथ। अलविदा।